सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक हो। और अभी मैं घर से बाहर आ चुका हूँ और पार्क में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेट तो किसी का नहीं कर रहे हम, क्योंकि सब पार्क में आके वेट ही करते हैं। वेट नहीं, हाँ मतलब मैं घूमने भी आया था थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया था पार्क वगैरह में बैठे, तो पार्क में आया हूँ। और क्लास में अभी तक गया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा आज चलते कहीं व्लॉगिंग करने, मस्त दूर दूर अच्छी सी जगह। तुम सोचते होंगे डेली डेली क्यों जाता है ये, तुम्हारे लिए जाता हूँ, तुम्हारे लिए। हाँ, और सपोर्ट कर रहे नहीं हो तुम लोग, थोड़ा सा प्यार व्यार दिखाओ। मैं जा रहा हूँ उसका तो मेरा ऐसे लगे कि बोले हाँ जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं बैठा हूँ, पता है किसके साथ? बहुत बड़ी हस्ती हस्ती बहुत बड़ा आदमी है ये तो बोल सकते हो ना भाई, बोल सकता हूँ ना अब फिर ये हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, क्या है? हेलो हेलो, आगे सुनना। हेलो अरे भाई क्या हो गया? पहले काट दूंगा भाई, काट दूंगा, कट कर दूंगा पहले ढंग से बोल। हेलो फ्रेंड्स, आगे और क्या, बस बोले कैसे हो पूछ सबसे। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा है ना, एटीट्यूड ज्यादा है इसके अंदर तो। ये भाई सब 13 प्रो मैक्स 14 आ गया मेरे पास, 14 आ रहा है। 14 लेने जाएगा या लेके आ गया? लेने जाऊंगा अभी, अभी लेने जाएगा सितंबर में। है 14 सबसे पहले इसी के पास आएगा, इसने अभी से बुक कर दिया, बुक कर दिया ना इन एडवांस। और आज मैं घूमने जा रहा हूँ, पता है किसके साथ? किसके साथ? दीपांशु को ले जाते हैं, दीपांशु के साथ घूमने चलते हैं आज, उसके लगाएंगे आज मस्त। आज भाई मैं ना ट्राइपॉड से वीडियो बनाऊंगा, मतलब व्लॉग पूरा, बहुत मन कर रहा है। जो नाराज होके बैठा है मेरे से, इसकी नाराजगी का कारण बताऊं तुम्हें? इसको मैं व्लॉग एडिट करना नहीं बता रहा अभी तक। क्योंकि इसका 17 को होगा ना, 17 को होगा ना, 17 से स्टार्ट करेगा 17। इसके लिए लक्की डे है वो, लक्की डेट। हाँ, इसको किसी ने बताया कि बोले 17 को आप वीडियो डालोगे, वीडियो डालते ही वीडियो डालते अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अब नहीं बोल रहा भाई मैं, रेस्पॉन्स बोला सही है ना, वीडियो डालते अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और मैं पता है इसको साथ में क्यों रखता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया आदमी है। अब बोल। अरे यार, सुबह सुबह निकल तो जाता हूँ मैं बाहर, बाहर आने के बाद भूख लगती है, घर पे तो बड़ा ऐसे डेमो में कि बोले नहीं भूख नहीं है ऐसे वैसे। कल रात को जो इवेंट की मीटिंग करके आए थे ना हम, उसका बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अरे बहुत बुरा हुआ है दोस्तों। बुरा तो क्या हुआ है, बुरा तो उनके साथ हुआ है भाई, बहुत बुरा। कोई दिक्कत नहीं, अब हंसूंगा नहीं मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम सोच रहे हो ना मैं ये जैकेट क्यों पहनता हूँ ज़्यादा? भाई ये है ना जैकेट, एक ही ऐसी जैकेट है जो मेरी ठंड रोक पाती है, बाकी तो सब वो वाली है, वो फैशन वाली, डेमो वाली। हाँ, बाकी ये है बस जिससे मेरी ठंड रुकती है, इसी को मैं ठंड में पहन के निकलता हूँ। बाकी तो फिर शादी पार्टी के लिए तो मस्त बहुत सारे कपड़े चले। कहाँ चले? घर जा रहे, इनको घर छोड़ूंगा, फिर मेरे को तो कहीं जाना है ना आज। खाना खा के मस्त जाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे का भी टाइम आएगा। आप लोग प्यार दिखाओ, ऐसे बोल रहा, आप लोग प्यार दिखाओ, ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे ही। हाँ भाई, की पोनी दिखाऊंगे आपको, पोनी बना रहा, पोनी। बाल अच्छे हैं यार इनके, इसका छोटा भाई है, उसके बाल भी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। शिवम ने बाल कटा दिए क्या? शिवम ने बाल कटा दिए?
शाम में बाल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बाल अच्छे हैं, पता नहीं है क्या, कौन सा सरसों का सरसों के तेल की मालिश करते हैं। और इधर यार 3 साल से तेल ही नहीं लगा रहा कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग जा रहे हैं। बैग इसको कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मैं, इसके बिना तो कहीं निकल नहीं सकता मैं। तो गाइस हम लोग घर से तो निकल गए, और मैंने ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि इतने ज़्यादा वाले मच्छर हो रहे हैं ना, क्या बताया आपको कोई शब्द मुझे बताने के लिए, इसलिए हटा के मच्छर पता नहीं कहाँ का मच्छर पता नहीं इतने जा रहे हैं। के पहले रास्ते में बियर पीने के लिए बियर बोले तो ये वाली बियर, फ्रूट बियर। ये तो बियर जैसी है, पर मुझे कैसे पता बियर का टेस्ट, मजाक कर रहा हूँ तेरे को पता है तेरे को, अरे भैया फ्रूट बियर का पता है गाइज। अभी हम लोग आए वर्ल्ड ट्रेड पार्क WTP, घूमने के हिसाब से आए वैसे तो, और मैंने सोचा ब्लॉगिंग अच्छी हो जाएगी, इस जगह का लोकेशन पे हुई नहीं है मेरे अभी तक, तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क में कर रहे हैं जरा पीछे। बाकी अभी अंदर से पूरा इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। इतनी देर से हम लोगों का शूट ही कंप्लीट नहीं हुआ था, हम लोगों का मतलब दीपांशु का। अब जाएंगे हम अंदर WTP के। तो क्या कर रहा है? अच्छा ये इतनी देर से कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने, कम से कम हमें हो गए 3 घंटे 2 घंटे 2 आवर्स, हाँ 2-3 आवर्स हो गए तब से हम लोग सिर्फ शूट ही कर रहे, और अब जाके शूट कम्प्लीट हुआ है। अब चलेंगे अंदर, पहले कुछ खा लेते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही मुझे तो, इसका पता नहीं लग रही है क्या भूख, तो बहुत तेज लग रही है भूख तो लग रही है, लेकिन खाने का हमारा है नहीं सीन, कुछ खाना क्या है फिक्स नहीं है कि मोमोज मिल गए तो मोमोज, पाव भाजी मिल गई तो पाव भाजी, पैसे मिलाएंगे तो नो WTP के सामने ब्लॉगिंग कोई करता है क्या भाई, करता है GT चले क्या, GT खाने कपड़े GT से ले लेंगे, WTP का ब्लॉग बनाना है। WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, हेलमेट पीछे से पार्किंग पे चलेंगे ना अभी खाने, तो पहले रख देंगे। हमने हेलमेट वगैरह तो डिपॉजिट करा दिया हमारा, अब जा रहे हैं बाहर, आ गए मतलब बाहर आ गए पार्किंग में, थे इतनी देर। हाँ थाली थाली
काय की शाही थाली होगी इसमें, देखना तो आगे लिखा हुआ है कि खाना। डब्ल्यू टी पी में बैठ के हम खा रहे अन्नपूर्णा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना। वाह, सब विजिट कराना आया था लेकिन पहले खाना खाएंगे। दो प्लेट कर दो क्या? तो गाइस हमारा खाना पीना तो सब हो गया और टेस्टी खाना था और सबसे बढ़िया चीज़ सस्ता खाना था, सस्ता हाँ बिल्कुल हमारी प्राइस में। हमारी क्या मतलब, हाँ भाई पार्टी दे रहा था तो ज़्यादा खर्चा नहीं कराया, कुछ ही पार्टी नहीं दे रहा, पैसे देगा अभी। हाँ इधर से जा रहा है क्या? बाकी अब हम जा रहे हैं डब्ल्यू टी पी के अंदर, तो देखते हैं। मेरा तो देखा हुआ है तो मैं दिखाऊंगा। इसको क्या फेंकना टिश्यू पेपर को? खालो भी है इसमें काम करो। बोले टिश्यू पेपर खाता है। निकल लो ये मैं बता क्या कर रहा था। पहले मास्क लगा लेता हूँ, शायद मास्क के बिना एंट्री नहीं देंगे। बोले इतना ही था गाइस, खत्म हो गया, खत्म। ठीक है, गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे इस जगह फूड पॉइंट, फूड पॉइंट ही नहीं है पूरा पूरा। फाइनली इसने न्यू बाइक ले ली है। ये दे दी, इसको गिफ्ट दिया गया है यहाँ पे। चाबी दिखाता हूँ इसकी, ये रही चाबी। ठीक है, कांग्रेचुलेशन भाई। अभी ये वापस पार्टी देगा। ये चाबी तो दे दी इन्होंने लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सीढ़ियों में से उतरे। ये पूरा मतलब जो भी था डब्ल्यू टी पी में जो सबसे बेस्ट प्लेसेस थी सारी ले ली मैंने। क्या दिखाऊं? अच्छा देखो पीछे से वीडियोग्राफी चल रही भाई की। और अभी हम जा रहे हैं शायद गौरव टावर GT, क्योंकि मुझे थोड़े से मतलब उस दिन मैंने बताया था वो लोअर टी शर्ट लेने थे, वो मिले नहीं थे अपने उस साइड, तो यहाँ तो पक्का मिल ही जाएंगे। ये लेट्स गो। Thank you.
तो गाइज हमारा WTP का तो हो गया पूरा, और अब पहले शॉपिंग कर लेते थोड़ी सी गौरव टावर से। स्टारबक्स लेके चल रहे हो क्या भैया? स्टारबक्स तो चल रहे हैं अपन। अच्छा स्टारबक्स ही चल रहे क्या? कोई दिक्कत नहीं है स्टारबक्स चल रहा है, उसके बाहर थड़ी है चाय की, जैसे भी हैंगे स्टारबक्स के आगे थड़ी है चाय की, बस चाय पी के आ जाएंगे। गाइस हम लोग स्टारबक्स तो आ गए लेकिन पिला नहीं रहा कॉफी है, अभी बोल रहा था स्टारबक्स लेके चल रहा हूँ तेरे को, लेकिन जा रहा नहीं है, देख लो आंखों के सामने है भाई, अभी भी ले चल। इसको मास्क पसंद आ रहे पता नहीं क्यों, ब्लैक कलर के मास्क नहीं है इसके पास एक भी। तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ है आज का, मतलब शॉपिंग वगैरह भी नहीं हुई है, क्योंकि इधर वाला विशाल मेगा मार्ट जो है वो गोपालपुरा हो गया ना, गोपालपुरा शिफ्ट हो गया, तो अब गोपालपुरा जाना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं जाएंगे कभी और जाएंगे, शायद मेरे नसीब में ही नहीं है ये यहाँ से शॉपिंग करना विशाल मेगा मार्ट से। मुझे यहाँ के कपड़े पसंद है, मतलब टी शर्ट्स वगैरह जो होती है ना अच्छी प्राइस में मिल जाती है भाई, साफ बात यह है, इसीलिए वहीं से लेता हूँ मैं। हेलमेट लेने जा रहा हूँ। मैं गलत घुस गया, कहाँ गया भाई? वो वापस उधर से आ रहा है, अब दिखेगा देखो वहाँ से। चलो बस अब थक चुके हैं हम सुबह से बाहर, बहुत ज़्यादा वाला थक चुका हूँ, चल चल के थक गए। अब हेलमेट लेके सीधा घर जाएंगे, और हम रास्ता ही भूल जाते, रास्ता तो हम भूल ही जाते, तुम्हें पता ही है, हर बार का भूल जाते हम, हर बार रास्ता भूल जाते, पता नहीं ये हमारे नसीब की बात है ये, कि हमारे रास्ता है ना पता होता है कि आ गए हम लोग, नसीबी की बात नहीं बदनसीबी, हो ही नहीं पाता रास्ता, याद ही नहीं हो पाता कि बोले इधर से आना है, तो बस अब जस्ट यहाँ से निकल रहे, चलते फिर घर पे और मिलते हैं। देखो पानी फैला रहे, सो गाइज हम लोग निकल तो चुके हैं, अब सीधा मिलते हैं अपने घर पे। ये देख लो पूरा सामने से व्यू WTP का, नाइट व्यू है ये, रास्ता भूल गए थे, और अब जाके कैसे ना कैसे करके वैशाली तक पहुँचे, और अब खा रहे आइसक्रीम, अब आ रहा है मज़ा, क्योंकि तो थकार के इसका मज़ा ही अलग है। आ गए भैया पैसे? मेरे अकाउंट से पहले कट गए थे। सो फाइनली गाइस मैं घर तो आ गया था, और थोड़ा मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, हम हमेशा रास्ता भूल जाते इसलिए थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। आज तक हम मतलब जितनी बार भी WTP गए ना, कभी भी सही रास्ते से नहीं आए, कभी कहीं घूम जाते, कभी कहीं घूम जाते, याद तो रहता है लेकिन क्या बताऊँ अब। चलो कोई ना, कैसा लगा आप लोगों को ये वाला व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो भी जयपुर के बाहर वाले लोग हों सब शेयर करना,
क्योंकि जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड पार्क देखा नहीं है सबको दिखाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय।